माय चैनल में आप सबकी चहेती अदिति शुक्ला। कैसे हो आप सब? सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरा देश भगवान श्री राम के स्वागत में लगा हुआ है, तो हमारी सोसाइटी में भी संचेतना टीम ने एक कार्य कराया है जो कि सच में बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली। हमारी सोसाइटी में जितने भी टावर्स हैं तो सब लोग अपने अपने टावर के आगे प्रभु श्री राम के लिए फूलों की रंगोली बनाएंगे उनके स्वागत के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, तो उसी खुशी में हम लोग भी उनके स्वागत में ये सारी चीजें कर रहे हैं। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, मैं हर एक टावर की आपको रंगोली दिखाती हूँ कि किसने क्या कैसा बनाया है। एंड थोड़े बहुत भजन कीर्तन भी हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो चलिए चलते हैं फिर। इग्नोर माई फोरहेड, एक्चुअली मैं कीर्तन में गई थी तो मुझे वो चंदन लगाया था येल्लो वाला, इस वजह से इतना येल्लो येल्लो हो रहा है। एंड मैं एक्चुअली शुरू में वीडियो स्टार्टिंग की इंट्रो की शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज बहुत ज्यादा लेट हो गया था एंड हमें रंगोली जल्दी स्टार्ट करनी थी, इस वजह से मैं फटाफट नीचे चली गई। ये रही मेरी रंगोली की टीम फ्रॉम A9, ये संजना, निकिता, पूनम भाभी एंड नेहा भाभी एंड ये मैं। तो अभी इन लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन है बिकॉज सारे टावर्स की रंगोली ऑलमोस्ट बन चुकी, हमने अभी शुरू भी नहीं किया है, बट अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम कैसी रंगोली बना रहे हैं। हम थोड़ी देर में लड़ाई झगड़ा भी करने वाले हैं। हाँ, तो आधे घंटे तो मैं देखती हूँ। में झंडा लेके घूम रहे अपनी रंगोली तैयार कर रही है, अभी बोलिए जय श्री राम। तो ये अभी मोइना आदित्य को देखिए रंगोली बनाते, पूनम भी है, संजना भी है। तो गाइस देखिए हमारे यहाँ सब आदमी लोग भी काफी मेहनत करा रहे हैं और ये मुकेश अंकल हमारी चीटिंग करने के लिए खड़े हैं। अगर इन्होंने अब लाइट लगाई तो समझ रहे हैं चीटिंग की है। मैं सब थीम चुरा के जाऊंगा। और ये हमारी आर्टिस्ट संजना, और ये देखिए ये आंटी भी हेल्प करा रही हैं हमारी। सो गाइस फाइनली आफ्टर 3 आवर्स हमारी रंगोली बनके रेडी हो गई है एंड इन आंटी ने बहुत ज्यादा हेल्प की, मतलब हमारे पास बहुत सारे सामान मिसिंग थे वो इन्होंने दिया एंड संजना तो चलो बनाई रही थी, आप लोगों ने पहले ही देखा था। एंड इन आंटी ने भी बहुत हेल्प की हमारी हर चीज में, की फ्लावर तोड़ना एंड एवरीथिंग आपने वीडियो में देखा होगा। एंड निकिता है, इन्होंने तो चलो देखो बेचारी के हाथ में चोट लगी है बट फिर भी इसने इतना कुछ किया। एंड ये हमारी नेहा भाभी सारे फ्लावर वगैरह यही लेके आई थी, सब यही लाई थी और आपने देखा झाड़ू तक मारा है बेचारी ने। तो फाइनली हम आपको दिखाते हैं अपनी फाइनल रंगोली। तो ये है हमारे टावर A9 की रंगोली। तो ये देखिए इधर हमारे राम, प्रभु श्री राम जी की फोटो भी लग गई है एंड उधर के लोगों की मेहनत दिखाती है। इन भैया ने आज बहुत काम किया सीरियसली। आप लोगों ने देखा कि हमारी रंगोली रेडी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट, और ये फाइनल संजना कर रही है, इधर यह आंटी भी हेल्प कर रही है और इन भैया ने तो सच में बहुत काम किया। हेलो। तो यहाँ पे ये सारे लोग पूरी सोसाइटी को भगवा रंग में रंग रहे थे प्रभु श्री राम जी के नाम पे। यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह हमारी पूरी सोसाइटी में लगाए गए थे एंड सीरियसली इतना अच्छा लग रहा था देख के, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ राममय हो गया है। अंदर भी फ्लैग्स लगा रहे हो भाभी? भाभी चोरी करने पहुंच गई हैं, बच के रही हैं सब लोग। नहीं नहीं भैया ये नहीं तोड़ना। सो गाइस अभी हम सब लोग जा रहे हैं कीर्तन में। इस्कॉन वाले आए थे वो तो चले गए बट मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, मुझे कहीं से मिल गई। बाकी अभी सोसाइटी के लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं तो मैं और भाभी भी भजन गाने जा रहे हैं, अगर गाने को मिला तो। कभी कभी भगवान
मैं और भाभी दिए में तेल और बत्ती लगा रहे थे। गाइस अभी हो गई है शाम एंड भजन कीर्तन सारे हो गए आपने देखा ही। तो ये रही निकिता एंड नेहा भाभी। संजना गई हुई है सब्जियां लेने, वो भी आ रही होगी। एंड हमने दिए वगैरह सेट कर दिए हैं, अभी बस जलाना बाकी है, दिए जलाने हैं, ठीक है। एंड वो सब लोग जो देखने आ रहे हैं वो सब लोग आ ही रहे होंगे। और भाभी आपको कहीं जाना है? यस। तो ये देखिए हमने दिए सारे लगा दिए हैं, ऑयल वगैरह डाल दिया है, बस इनको जलाना बाकी है। एंड ये रहा लाइट के साथ फाइनल, एंड दिए के साथ भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो गाइस ये अब हमने अपनी दिया जलानी शुरू कर दी है। और ये भैया ने आज बहुत मेहनत की, इनका नाम कहीं नहीं दर्ज है लेकिन कोई नहीं, अरे उस ग्रुप में नहीं है। यहाँ पे आई थी रंगोली देखने वाली टीम, एंड ये कोई टीम नहीं थी, आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे सारे राम भक्त एक साथ आ गए हो, इतना अच्छा लग रहा था। 100-150 लोग एक साथ थे, बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के। जय श्री राम। हम एक्चुअली हमारे टावर में ना बहुत कम लोग। अरे नहीं बहुत, आपने ये क्या, यू कैन सी दिस पीपल हु इज मेकिंग दिस ब्यूटीफुल दिस टावर राइट नाउ, यू कैन सी दैट सो ब्यूटीफुल। बेसिक्स, क्लासिक बेसिक्स किया है ये रंगोली फूलों से, बहुत सुंदर सजाया है, ब्यूटीफुल। अभी कम नहीं पड़ जाएंगे जय लिखने के लिए? वो दे लो। चलो वो। तो गाइज ये रही A7 की रंगोली, और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हैं, एंड बहुत अच्छा बनाया है। सो गाइज ये रही A8 की रंगोली जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, एंड ये मुकेश अंकल ने अकेले बनाई है, इन्होंने ऐसा मुझे कहने के लिए बोला है। Come on.
पानी से बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे दर राम आए हैं। जय श्री राम बहुत अच्छा लग रहा है। पता है नूतन थोड़े से वहाँ पे रोज पेटल्स और देके ना थोड़े से और वहाँ पे ना वाइट क्लासिक पीवन जय श्री राम। बीवन टावर के लोगों ने भी काफी मेहनत की है। एक झोपड़ी वाला गाता है खोले जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाराज खोले जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे यहीं आएंगे राम आएंगे ये रंगोली है टावर B2 की। देख रहे हो सब हो गया है राममय बेहतरीन लग रहा है। मंदिर के अंदर आ गए हम लोग। ये सोसाइटी कम मंदिर का एंट्रेंस ज्यादा लग रहा है। राम आएंगे ये टावर B3 है राइट। जय जय जय
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीफोर जय श्री राम। क्लासिक टावर B5 की रंगोली। जय श्री राम। टावर B6 की रंगोली। मेरे चरणों के सारे भक्त ले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप लोगों ने देखा कि मतलब हर एक टावर के बाहर इतनी सुंदर सुंदर रंगोली बनी हुई है कि मतलब किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है कि इसकी अच्छी उसकी अच्छी। मतलब मुझे तो सबकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एंड आप देख रहे हैं कि इतने सब राम भक्त हैं कि इतनी शिद्दत से श्रद्धा से उन लोगों ने आज ये कार्य पूरा किया है। एंड सच में मैं बता रही हूँ अपना पर्सनल, तो मैं सबका सोच सकती हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम टेकन था। हम लोगों को कम चार चार पांच पांच घंटे लग गए है, बट बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। एंड आप लोगों ने देखा कि मेरी पूरी सोसाइटी राममय हो गई है, भगवा रंग में रंग गई है। पूरी सोसाइटी पे बहुत सारे फ्लैग्स एंड ये सब लगे हैं, आप लोगों ने देखा ही। एंड बाकी पूरा फाइनल फ्लैग्स वगैरह का मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।